चलिए इसी बीच बात करते हैं गुना से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर एक कार में आग लग गई। बता दें कि पीएनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इस दौरान आंदोलन स्थल से बाहर ही अग्निकांड हो गया। मैं भी शाहीनबाग नाम से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि कोतवाली क्षेत्र के शांति पार्क का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रदर्शन स्थल से बाहर ही ये अग्निकांड हो गया और एक स्वीकार कार में आग लग गई। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जहां पर पीएनआरसी को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, मैं भी शाहीनबाग के नाम से यहां पर विरोध किया जा रहा था, इस दौरान बाहर आग लग गई वहां पर एक कार। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गुना से, जहां पर आंदोलन स्थल के बाहर ही एक कार में आग लग गई, जिसे संदिग्ध मानते हुए पुलिस मामले की जांच करके बताया जा रहा है कि यहां पर प्रदर्शन चल रहा था पीएनआरसी के विरोध में और इसी के बाहर एक्सप्रेस डिजायर कार खड़ी हुई थी, जिसमें आग लग गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, कैसे लगी ये आग? शायद गुना में शास्त्री पार्क है, वहाँ साइन बाग बना हुआ है एक महीने से। वहाँ अलग अलग समाज संगठन के लोग वहाँ रोज आकर रात में धरना देते हैं, 5 बजे इकट्ठे होते हैं, 10 बजे तक वहाँ रोज धरना देते हैं शास्त्री पार्क पर। कल रात के वहाँ आंदोलन चल रहा था, उसी समय एक कार खड़ी हुई थी पास में, तो सफान नायक है गुना से उनकी, उसमें अचानक उसमें आग लगती है। इसके बाद में आंदोलनकारी भड़क जाते हैं, आंदोलनकारी कहना था किसी ने आग लगाई है, इसको लेकर वो अपना आंदोलन छोड़कर वहां से इकट्ठे होकर कोतवाली पहुंचते हैं। वहां का कहना था सर मामला दर्ज करें, किसी ने हमारे आंदोलन को मानोदम करने का प्रयासनामा करने का प्रयास किया है। उसके बाद में पूरी जानकारी के लिए तो बता दें कि गुना में जहां पर प्रदर्शन पिछले एक महीने से चल रहा था, उसी प्रदर्शन से बाहर एक कार में अचानक आग लगी। आग किया गया और आग लगने के कारण इस समय हाईकोर्ट जा रहा है।